हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक पूरे पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी जगह ये आता है। और एक बार हम अगर ये सीख जाए तो ये सभी चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, रिटायरमेंट और डेथ में, सभी में काम आ जाएगा। ठीक है बात। आइए शुरू करें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या। हम बोले सर रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब सर वो अकाउंट जिसके डेबिट में लॉस रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट में प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है। हम बोले करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड गेन। तो वही लिखिए बाबू, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका मतलब क्या होता है, इट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम एंड गेन ऑन द क्रेडिट साइड। बात समझ में आती है। दूसरा सर, किस तरह का इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है रिवैल्यूएशन, मतलब जो प्रॉफिट और लॉस का बात करें, किस तरह का प्रॉफिट लॉस। हम बोले बेटे एसेट्स और लाइबिलिटी में अगर प्रॉफिट लॉस होता है उसको रिकॉर्ड करता है रिवैल्यूएशन। अब आप सोचिएगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट की लॉस। सर प्रॉफिट एसेट्स बढ़ रहा है तो अच्छा बात है ना, तो सर प्रॉफिट होगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हम बोले हाँ। एसेट्स घटेगा तो सर लॉस कहां रिकॉर्ड करेंगे, सर डेबिट साइड में। लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया तो प्रॉफिट की लॉस, सर लॉस। लाइबिलिटी क्या है, सर देना है किसी को पैसा 100 रुपया, अब देना पड़ेगा 120 रुपया, तो क्या मेरा लाइबिलिटी बढ़ा। हम बोले हाँ। तो लाइबिलिटी के बढ़ने से आपको बिजनेस में प्रॉफिट की लॉस, हम बोले लॉस, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। लाइबिलिटी घटेगा कहां रिकॉर्ड होगा बेटे, सर क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट हो जाएगा बिजनेस को। हम बोले हाँ। वही लिखे, रीवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है बाबू, एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू में जो इंक्रीज डिक्रीज आता है उसी को रिकॉर्ड करता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम बोले ओके। तीसरा बात, एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा क्रेडिट में, लाइबिलिटी घटेगा तब भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट में। वही लिखे, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इट इज गेन फॉर द बिजनेस। एसेट्स का बढ़ना या लाइबिलिटी का घटना बिजनेस के लिए फायदेमंद है और फायदा कहां रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड में। उसी तरह एसेट्स डिक्रीज कर जाए या लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाए तो सर आपको लॉस हो जाएगा। हम बोले हाँ, एसेट्स घट रहा हो या फिर लाइबिलिटी बढ़ रहा हो तो दोनों ही हालत में क्या है, आपको लॉस कहां रिकॉर्ड करेंगे, सर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इट इज लॉस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है बाबू, सर लॉस है इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर जब आप इतना सारा प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कीजिएगा तो नेट में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। हम बोले हाँ। तो सर वो प्रॉफिट या लॉस को क्या बोलेंगे। हम बोले बाबू अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो नाम होगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो नाम क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस। तो जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसको मिलता है, मालिक को, तो मालिक को दे देंगे। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने से जो प्रॉफिट लॉस होगा बाबू वो कहां लिखा जाएगा, कहां किसको दिया जाएगा, पुराने पार्टनर को। ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलता है। हम बोले सर पुराने पार्टनर को पुराने हिस्से में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आती है। चलिए हम लोग क्या बनाएंगे इसका अकाउंट, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। याद रखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वो क्या रिकॉर्ड करता है, सर एसेट्स और लाइबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज। क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और फायदा को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। लॉस कब होगा, सर एसेट्स घटेगा तब लॉस होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तब लॉस होगा। तो इसका मतलब हुआ सर डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। हम बोले हाँ। प्रॉफिट कब होगा, सर एसेट्स जब बढ़ेगा और लाइबिलिटी जब घटेगा तब बिजनेस को प्रॉफिट होगा।
तो इसका मतलब सर जब एसेट्स बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब लायबिलिटी घटेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। हम बोले हाँ बाबू चलिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे अकाउंट, हम पहले आपको अकाउंट बना के दिखलाएंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री में बात करेंगे, सुनिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करें बाबू, आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है बाबू डेबिट साइड, और ये कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा सर, लॉस। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो सर नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट साइड में लॉस, क्रेडिट साइड में फायदा। हम बोले इसमें किस चीज का फायदा नुकसान रिकॉर्ड होता है, सर एसेट्स और लायबिलिटी का। तो बताओ कब लॉस होगा सर, जब एसेट्स घटेगा, तो डिक्रीज होगा एसेट्स, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। और कब लॉस होगा सर, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा, या फिर अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अगर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उससे भी क्या मेरा लॉस बढ़ेगा। हाँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कीजिएगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और लायबिलिटी के बढ़ने से क्या होगा, लॉस। फायदा कब होगा सर, जब एसेट्स बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स कहां रिकॉर्ड करेंगे सर, क्रेडिट में। कब फायदा होगा सर, डिक्रीज इन लायबिलिटी से। और कब फायदा होगा सर, अगर कोई एसेट्स है जो रिकॉर्ड करना आप भूल गए थे, अब रिकॉर्ड कीजिए। चलिए तो सर ये रिकॉर्ड हो गया प्रॉफिट, ये रिकॉर्ड हो गया लॉस। तो अगर प्रॉफिट बड़ा होगा और लॉस का पैसा कम होगा तो क्या निकलेगा सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर को। कौन से पार्टनर को सर, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। याद रखिएगा प्रॉफिट जो बांटना है वो किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। ये क्या है बाबू सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर्स। और वही अगर लॉस में अधिक पैसा हो और प्रॉफिट में कम पैसा हो तो क्या निकलेगा, रीवैल्यूएशन का लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आता है, हम बोले हाँ। क्या एग्जाम में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने आता है, हम बोले बिल्कुल। क्या इसके अलावा एंट्री भी आता है, हम बोले हाँ। अगर रीवैल्यूएशन लेजर बनाने आ सकता है तो एंट्री भी कई बार आया है, तो क्या हम लोगों को दोनों सीखना चाहिए, बिल्कुल। चलिए हम लोग अब क्या सीख रहे होंगे, रीवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री। तो हम लोग को क्या सीखना है बाबू, जर्नल एंट्री। एग्जाम्स में जर्नल एंट्री भी कई बार आए हैं और एग्जाम्स में अकाउंट भी बहुत बार आए हैं, तो हम लोग को दोनों ही बात सीखना होगा। चलिए सुनते हैं, एंट्री क्या होगा। हम बोले सर रीवैल्यूएशन का एंट्री करना है तो मेनली एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जो बात करेगा ट्रांजेक्शन, वही रीवैल्यूएशन कराएगा आपके साथ, क्योंकि रीवैल्यूएशन में क्या रिकॉर्ड ही होता है, एसेट्स लायबिलिटीज। आइए सुनिएगा, अगर मेरा एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो जैसा हम लोग इलेवेंथ में सीखे थे कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। तो अगर कोई एसेट्स का कीमत बढ़ रहा है तो हम एसेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट। तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। इंक्रीज इन एसेट्स अगर होता होगा तो एसेट्स को डेबिट कर दिए। जितना रुपया से इंक्रीज करेगा वो वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू, समझ रहे हैं बात। मान लीजिए 100 रुपया का एसेट्स है 120 हो गया, तो हम बोल रहे सर 20 रुपया यहां रिकॉर्ड होगा, 120 रिकॉर्ड नहीं होगा, जो वैल्यू में इंक्रीज आया है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट्स तो डेबिट कर दिए, क्योंकि सर एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। एसेट्स के बढ़ने से बिजनेस को फायदा के नुकसान, हम बोल रहे सर फायदा। जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज में फायदा नुकसान होगा ना, तो फायदे का नाम हमेशा हम लोग रीवैल्यूएशन रखेंगे और लॉस का नाम भी हमेशा क्या रखेंगे, रीवैल्यूएशन। सोचिएगा एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो एसेट्स को हम डेबिट कर दिए, क्योंकि सर मॉडर्न रूल बोलता है कि इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है। एसेट्स के इंक्रीज करने से क्या हुआ, बिजनेस को फायदा, तो हम बोल रहे हैं फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। फायदे का नाम क्या, जैसा हम लोग डिस्कस किए थे अभी कि सर फायदा का नाम क्या रखा जाएगा, रीवैल्यूएशन।
बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड, नंबर टू एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो पहले बात करेंगे एसेट्स घट रहा है डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट क्योंकि एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है। एसेट्स के घटने से प्रॉफिट या लॉस, लॉस लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस का नाम क्या, रीवैल्यूएशन। बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड, और क्या हो सकता है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ रहा है। रूल क्या है लायबिलिटी का, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, तो लायबिलिटी के बढ़ने से लायबिलिटी क्रेडिट हो जाता है, तो जो भी लायबिलिटी बढ़ेगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और जितने वैल्यू से बढ़ेगा उतने रुपए को लिखेंगे। लायबिलिटी बढ़ा, प्रॉफिट की लॉस, लॉस और लॉस हमेशा क्या होता है डेबिट, लॉस का नाम रीवैल्यूएशन। बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज्ड लायबिलिटी घट रहा है तो क्या होता है डेबिट या क्रेडिट, सर लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है, ये बात कहां पे लिखा हुआ है, क्लास 11th के मॉडर्न रूल में, जहां से हम लोग जर्नल एंट्री को भी सीखे होंगे। क्या रूल था, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट हो जाता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, तो डिक्रीज होगा अगर लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी अगर घट रहा होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि लायबिलिटी घट रहा है तो लायबिलिटी घटने से डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटी घट रहा है तो फायदा कि नुकसान, फायदा किसी को 100 रुपया देना था और वो हमसे सिर्फ 90 रुपया लेगा तो क्या 10 रुपया वो छोड़ देगा, लायबिलिटी घट जाएगा मेरा, तो हम बोलते हैं सर लायबिलिटी के घटने से आपको फायदा होता है, फायदा हमेशा क्रेडिट, और फायदा का नाम क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज उसके बाद जब एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज हम कर लेंगे तो उसके बाद क्या, हम बोले बाबू जब एसेट्स लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे तो या तो प्रॉफिट अधिक होगा या फिर लॉस अधिक होगा, दोनों को क्या करेंगे नेट करके क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट लॉस। हम लोग बात करेंगे कि सर सिर्फ एंट्री करके बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, आप बात समझिएगा, अकाउंट बनाए अगर हम रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाए तो बैलेंसिंग फिगर से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल सकता है कि सर ये साइड अधिक होगा तो ये साइड जोड़ेंगे उसमें से डेबिट साइड घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन एंट्री में प्रॉफिट के लिए बैलेंसिंग फिगर थोड़ी आता है, तो हम लोग सीखेंगे कि सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाए, और प्रॉफिट या लॉस का एंट्री क्या होता है। हम बोले पहले प्रॉफिट का बात करते हैं, सुनिएगा प्रॉफिट अगर होगा तो क्या एंट्री होगा, फिर लॉस का बात करेंगे। लॉस तो ठीक प्रॉफिट का उल्टा एंट्री कराएगा। हम बोल रहे हैं रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं पार्टनर को बांट देते हैं, तो हम लोग यहां भी जो प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन से वो किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो कहां चला जाएगा डेबिट में। प्रॉफिट का नाम क्या, रीवैल्यूएशन, जैसा बात किए थे प्रॉफिट हो या लॉस नाम क्या होगा, रीवैल्यूएशन। डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है। हम बोले हाँ प्रॉफिट क्रेडिट ही होता है बाबू, आप इस प्रॉफिट को दे रहे हैं किसको, पार्टनर को, दे देने से तो प्रॉफिट बिजनेस से खत्म हो जाएगा ना, तो हम बोल रहे हैं जो प्रॉफिट क्रेडिट में है वो आप दे दीजिए, तो देने से वो कहां आ जाएगा डेबिट में, और किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। सर अगर कैपिटल फिक्स्ड रहा तो करंट अकाउंट, ये क्या है बाबू किस रेशियो में, सर ओल्ड रेशियो में। बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। लॉस में क्या होगा, लॉस कब होगा सर,
जब हम लोग का रिवैल्यूएशन का डेबिट में अधिक पैसा हो और क्रेडिट में कम पैसा हो, हम बोले हाँ, तो लॉस अगर होगा रिवैल्यूएशन में तो वो भी किसको मिलेगा, हम बोले पार्टनर को, तो लॉस डेबिट होता है, पार्टनर को देंगे तो कहां आ जाएगा, क्रेडिट। तो सर रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर दिए क्योंकि आप इस लॉस को दे रहे हैं किसको, पार्टनर को। लॉस मन में अगर ऐसा लगे कि सर लॉस तो डेबिट होता है, तो हम बोल रहे हैं लॉस डेबिट तब होता है जब बिजनेस के पास रखा हुआ रहे। हम बोल रहे हैं बांटना पड़ेगा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, तो अगर हम बांट देंगे तो बिजनेस के पास से वो प्रॉफिट लॉस हट जाएगा और किसको मिल जाएगा, पार्टनर को। तो बिजनेस अपना लॉस जो डेबिट में था वो खत्म कर लिया, वो दे दिया किसको, पार्टनर को। कौन से पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। बात समझ में आती है, चलिए फटाफट हम लोग इस बात को रिवाइज कर लेंगे। रिवैल्यूएशन में क्या है, हम बोल रहे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू के डिक्रीज को रिकॉर्ड करता है। अगर एसेट्स और लाइबिलिटी के वैल्यू के डिक्रीज को वो रिकॉर्ड करता है तो क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसका नेचर हमेशा क्या है कि सर वो लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड करेगा और प्रॉफिट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। लॉस कब होगा, हम बोल रहे सर जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा और या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो लॉस होगा। तो इसका मतलब हुआ सर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी जाता है, हम बोले हाँ। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेगा, हम बोले सर प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा। प्रॉफिट कब होगा सर, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू घटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी जाएगा, हम बोले हाँ बाबू यही बात आप थ्योरी में लिख के रखे हैं। तो देखिए यही है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज इन एसेट्स कहां रिकॉर्ड किए हैं, डेबिट साइड में। इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड में, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था और अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो क्या मेरा वो लाइबिलिटी बढ़ नहीं गया बुक्स में, इसलिए कहां आया डेबिट में। तो लॉस है बाबू ये लॉस वाला साइड। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, फायदा। फायदा कब होगा, जब एसेट्स बढ़ेगा तो इंक्रीज इन एसेट्स, या फिर लाइबिलिटी घटेगा डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर आएगा, क्यों, क्योंकि सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपका एसेट्स बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स तो क्रेडिट में ही आता है। फिर हम बोले थे कि रिवैल्यूएशन में जब अकाउंट बना लेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर मेरा क्रेडिट साइड में अधिक पैसा हुआ और डेबिट साइड में कम हुआ तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलेगा, हम बोले सर ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। और अगर डेबिट साइड का पैसा अधिक हो और क्रेडिट साइड का पैसा कम हो तो क्या बनेगा, हम बोले सर लॉस किसको मिलेगा, हम बोले सर ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आती है। फिर हम लोग बोले एग्जाम में एंट्री भी कई बार पूछा गया है, एंट्री क्या होगा, हम बोले सर रिवैल्यूएशन का एंट्री एसेट्स और लाइबिलिटीज का एंट्री करना है, जहां जहां एसेट्स और लाइबिलिटीज पे बात होगा वहां वहां एंट्री होगा। पहला बोल रहा है अगर मेरा एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, हम बोले सर अगर एसेट्स बढ़ेगा तो रूल के हिसाब से एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो हम बोले क्रेडिट में क्या लिखेंगे, हम बोले सर एसेट्स बढ़ा तो फायदा, फायदा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन। जैसे हम लोग बात कर रहे थे सर हर फायदा हर नुकसान का नाम क्या होगा, रिवैल्यूएशन। तो एसेट्स बढ़ा तो हम डेबिट किए, तो हम बोल रहे हैं अगर एसेट्स बढ़ा है तो बिजनेस को फायदा है, और फायदा कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में। तो सर फायदा का नाम हम बोले रिवैल्यूएशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर एसेट्स घटेगा तो हम बोले लॉस हो जाएगा, लॉस का नाम भी क्या, रिवैल्यूएशन। लॉस डेबिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू एसेट्स घट रहा है, सर एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा थ्रू एसेट्स। उसके बाद लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हम बोले लॉस होगा, लॉस डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो डेबिट या क्रेडिट, हम बोले क्रेडिट टू लाइबिलिटी। उसके बाद सर लाइबिलिटी घटे तो हम बोले प्रॉफिट, फायदा, तो लाइबिलिटी घटा तो हमको फायदा हुआ, फायदा कहां होता है, क्रेडिट या डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। फायदे का नाम रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। सर डेबिट में क्या जाएगा, हम बोले लाइबिलिटी, लाइबिलिटी गया।
बात समझ आता है मेरा। चलिए फिर हम लोग बात किएंगे सर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसको मिलेगा, पार्टनर को। प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या बनेगा, हम बोले सर प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हैं, ये तो हम लोग रिजर्व प्रॉफिट सब में पढ़े हैं, प्रॉफिट दीजिएगा पार्टनर को, हम बोले हाँ। तो सर प्रॉफिट क्रेडिट साइड होता है बिजनेस के, दे देने से वो कहां आ जाएगा, डेबिट, तो हम बोले हाँ। तो यहां पे प्रॉफिट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वही अगर लॉस देना हो तो हम बोले सर इसका उल्टा कर दीजिएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आता है मेरा। चलिए अब हम लोग क्या लिए हैं, एक एग्जांपल लिए हैं, आप इसको कॉपी कीजिए, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सर आप बोले थे कि आप बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस का पैसा बता दीजिएगा, हम बोले पक्का बता देंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले अकाउंट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, एंट्री, और आपको दिखाएंगे कि बिना अकाउंट बनाए भी हम लोग प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन का निकाल आराम से सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कॉपी कीजिए, यह है क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। आइए बाबू क्वेश्चन पढ़े। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में लिखा है कि बैलेंस शीट में कैपिटल है एबीसी का, वर्कमैन कंपनसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, मशीन है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, कैश है और पीएल है। एसेट साइड में जो पीएल होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉस। सर वो लॉस है, हम बोले हाँ। फिर इधर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़े। लिखा है 1/4/2020 को एबीसी ने डिसाइड किया कि वो इक्वल बांटेंगे। अच्छा ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ बेटे, ठीक ना, नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं न्यू रेशियो बता दिया क्या, 1:1:1, तीनों इक्वल बांटेंगे। सर कैसे मालूम ये न्यू रेशियो है, हम बोले बाबू बैलेंस शीट था 31 मार्च 2020 का, फैसला कब लिया है 1/4/20 का, 1/4/20 एक अप्रैल को, तो एक दिन बाद, तो ये सर न्यू रेशियो है। पुराना रेशियो बताया क्वेश्चन, हम बोले पक्का बताएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25 का हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60 का हो जाएगा, बिल्डिंग 10% से एप्रिशिएट कर जाएगा, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना, मशीन डिक्री डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीन कितना घट जाएगा 5%। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 5% बनाया जाएगा, स्टॉक बढ़ के 35,000 हो जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा 5,000 से, क्रेडिटर इज इंक्रीज बाय 5,000, बिल पेबल इज वैल्यूड 18,000, देयर इज ए लैंड वैल्यूड 50,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स नीड टू बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है एक लैंड है 50,000 रुपया का जो रिकॉर्ड नहीं है बैलेंस शीट में, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और दसवां बात, ओल्ड रेशियो 2:2:1, ये तो ये था हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ लिए, आप साथ साथ लिख चुके होंगे, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, पहला पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 25, और पता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे एक रूल भी है, हम लोग स्पेसिफिक क्लास रखे हैं उसके ऊपर। अब मेरी बातों को आप जोड़ेंगे अगर आपने वो क्लास किया है तो। सर मजदूर कितने पैसे मांगने आए हैं, 25, जबकि मेरे पास रिजर्व कितना का है, 20, तो क्या हम मजदूर को पूरा 25 दे पाएंगे इससे, हम बोले नहीं सर, 20,000 तो आप इससे कंपनसेट कर लीजिएगा, 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस है आपको, 25 देना है लाइबिलिटी है मेरे लिए, 20 हम यहां से दे दिए, तो बोले सर पुराने वाले से ही आप 20 दे दिए तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट 20 तक तो नहीं होगा, लेकिन 25 देना है तो 5 का तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, हम बोले हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि सर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अधिक हो, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अधिक हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो वो कहां रिकॉर्ड करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हम बोले हाँ। तो हम बोले सर लाइबिलिटी बढ़ेगा कितने रुपए से, हम बोले 5,000 से, तो क्या हम इसको डेबिट में लिखेंगे क्योंकि लॉस है, हम बोले हाँ। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने रुपए से, 5, क्यों 5, क्योंकि बेटे 25,000 रुपया का क्लेम है, तो सर आपका लाइबिलिटी 25 है, हम बोले हाँ,
क्या इस लायबिलिटी के लिए 20 पहले से मेरे लायबिलिटी में है? हम बोले हाँ, तो मेरा लायबिलिटी कितने से बढ़ा? 5 बढ़ा है तो लॉस है, कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। सेकेंड पढ़ो, दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 हो जाएगा, पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1,00,000, कितना हो जाएगा? 60। तो क्या इन्वेस्टमेंट एसेट्स है? हम बोले हाँ। तो क्या मेरा एसेट्स घट रहा है? बिल्कुल। कितने रुपए से? हम बोले सर 40,000 रुपए से, 40,000 रुपए से घट रहा है। तो सर आपको लॉस है, लिखिए डेबिट में। हम बोले रुको, क्या इस 40 के जो लॉस हमको दिख रहा है उससे बचने के लिए मेरे पास कोई प्रॉफिट है? हम बोले हाँ। कितना? 30। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 40 का लॉस हुआ है, 30 तक तो ये बचा लेगा, लेकिन फिर भी एडिशनल लॉस तो हो ही जाएगा। कितने का? 10, क्योंकि सर आपका इन्वेस्टमेंट 40,000 से कम हुआ है, क्या उस 40 से बचने के लिए आपके पास कोई फायदा है? हम बोले हाँ, 30,000 तक का तो है, तो सर 40 का लॉस जो है उसमें से 30 ये कंपनसेट कर देगा, बचेगा एक्स्ट्रा लॉस 10,000। जो एक्स्ट्रा लॉस है वो तो लिखिए टू इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट घट गया। हम बोले हाँ बाबू। कितने रुपए से घट गया? 10,000। बात समझ में आता है? थर्ड पॉइंट पढ़िए, बिल्डिंग बढ़ जाएगा 10% से। सर बिल्डिंग बढ़ रहा, एसेट्स बढ़ रहा, एसेट्स बढ़ने से फायदा होता है, फायदा कहां? हम बोले बाबू क्रेडिट साइड में 10%। तो देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 80,000 है, उसका 10%, 10% ऑफ 80,000, तो कितना आया? 8,000। आगे चौथा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5% से। सर मशीन घट जाएगा मतलब एसेट्स घटेगा, एसेट्स के घटने से लॉस होता है डेबिट में। हम बोले हाँ। टू मशीन, कितने का मशीन है? 70,000, उसका 5%, 3,500। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा है प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। डेटर पे हम लोग एक और क्वेश्चन भी लेंगे अगला क्लास में, अभी समझिए। प्रोविजन बोला है कितना बनाने? 5% डेटर पे। ध्यान दीजिएगा, मेरा बात इंपॉर्टेंट है। डेटर 70 है, प्रोविजन 2 है, बाहर कितना लिखे 68। याद रखिएगा, जब भी बोलेगा ना प्रोविजन बनाइए, कभी भी इस अमाउंट पे नहीं बनेगा, घटने के बाद जो अमाउंट है उस पे नहीं बनता है, हमेशा जो ओरिजिनल डेटर है उस पे बनता है बाबू। तो ओरिजिनल डेटर कितने का है? 70,000। इसका कितना बनाने बोला है? 5%। तो हम बोल रहे हैं बाबू 70,000 का 5% निकालिएगा तो 3,500। समझिएगा सर, एसेट्स 3,500 घट जाएगा तो आपको तो लॉस है। हम बोले हाँ डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सोचिए ध्यान से, 3,500 का लॉस थोड़ी है, 3,500 बनाने बोला है, क्या हम 2 पहले से बना के रखे हैं? हम बोले हाँ। टोटल कितना बनाने बोला है? वो 5%। तो हम बोले सर 70,000 पे निकालना है, 68 पे तो निकालना ही नहीं है, तो एक बात तो ये हो गया कि सर 70 का 5% निकालेंगे तो 3,500। हम बोले हाँ। तो हमको जो प्रोविजन बनाना है वो कितना बनाना है? 3,500। प्रोविजन के बनने से एसेट्स कम होगा। हम बोले हाँ सर 3,500 बनाना है, कितना पहले से बना हुआ है? 2। तो सर कितना और बनाइएगा कि 3,500 बन जाएगा? हम बोले 1,500 रुपया और लिख देंगे इसमें तो 3,500 बन जाएगा। हम बोले सर आपका लॉस कितने का? 1,500 का, क्योंकि 2 तो पहले से रिकॉर्ड है ही है, आपको टोटल बनाना है कितना? 3,500। 2 अगर बना हुआ है और 3,500 हमको बनाना है तो सर आपको 1,500 और बनाना है लॉस, अपने आप वो बन जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा? तो डेटर के ऊपर हम लोग और फिर से एक बार बात करेंगे एक अलग से क्वेश्चन लेकर के। फिर सुनिए, हम बोले बेटे प्रोविजन अगर बनाने बोले परसेंटेज में तो वो हमेशा डेटर के ओरिजिनल वैल्यू पे बनता है जो 70,000 है। हम बोले हाँ। जब आप उस पे बना लीजिएगा तो जो निकला हम लोग का 5%, 3,500 रुपया, वो टोटल प्रोविजन है, मतलब वो बोल रहा है कि 3,500 बनाना है सब मिला करके। तो 2 तो पहले से बना हुआ है प्रोविजन क्वेश्चन में, तो हमको अगर 3,500 बनाना है तो 2 अगर बना हुआ है तो एडिशनल कितना बनाना पड़ेगा? 1,500। तो लॉस कितने का है? 1,500 का। बात ठीक। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्टॉक बढ़ के हो जाएगा 35, स्टॉक इज इंक्रीज टू 35। बोल रहा स्टॉक बढ़ के 35 हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक कितने का था? 32 का। बोल रहा है 35 हो जाएगा तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ेगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि सर फायदा है आपको। हम बोले हाँ।
कितने रुपए का? 3000 का। अगला पॉइंट पढ़े, क्रेडिटर इज इंक्रीज्ड बाय 5000। बोल रहा है जो क्रेडिटर है, जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर 80 का, बोल रहा है वो 5000 से और बढ़ जाएगा। तो हम बोले सर आपको लॉस होगा, लॉस डेबिट किस नाम से? क्रेडिटर 5000। अगला पॉइंट, बिल्स पेबल इज वैल्यूड 18000। बीपी का वैल्यू कितना हो गया है? 18। पहले कितना वैल्यू था देखिए, 20000, अब कितना बोल रहा है हो जाएगा 18000। तो क्या बीपी एक लाइबिलिटी है? हम बोले हाँ सर, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में है 20 और क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 कर दो, तो क्या लाइबिलिटी घटाने बोल रहा है? हम बोले हाँ। तो लाइबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट की लॉस, हम बोले सर प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। बीपी 2000 रुपए से घट गया। पॉइंट नंबर 9 पढ़ो, देयर इज ए लैंड, बोल रहा है एक जमीन है वैल्यूड 50000, 50000 का, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बोल रहा है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, नीड टू बी रिकॉर्डेड, बोल रहा है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या लैंड एक एसेट्स है? हाँ। तो क्या एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा एसेट्स का कीमत बढ़ जाएगा? हम बोले हाँ सर, मेरा बैलेंस शीट में अगर एसेट्स रिकॉर्ड कीजिएगा तो एसेट्स का साइड बढ़ जाएगा। तो एसेट्स बढ़ेगा तो फायदा होगा, कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर क्रेडिट में। किस नाम से? लैंड। कितना रुपया? 50। दोनों में से जो साइड बड़ा रहेगा वो जोड़ देंगे। सर क्रेडिट साइड बड़ा है। हम बोले ठीक, कितना? 63000। 63 में इसको माइनस करेंगे, जो माइनस करके बचेगा वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जो किसको मिलेगा? पार्टनर को। कौन से पार्टनर को? सर ओल्ड पार्टनर को, जो बैलेंस शीट में नाम लिखा हुआ है वही होता है ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो दिया हुआ है 2:2:1। तो 63 में इनको माइनस करेंगे बाबू, आओ देखें, 15, 20, 25 हजार गया, कितना बचा? 38000। कैसे बांटना है? 2:2:1, आओ बांटे 2:2:1 में। आइए कितना आएगा सर? 15200, 7600, ये हुआ आंसर। तो ये क्या बनाए हम लोग बाबू? अकाउंट। अब हम लोग ये सोचेंगे कि सर ये जो पैसा निकलता है ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, अगर एंट्री करने बोले तो एसेट्स लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज वाला एंट्री तो कर लेंगे, ये फायदा जो निकला उसका एंट्री कैसे करेंगे? हम लोग वही सीखना है बाबू। आओ अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे बाबू, आओ फॉर्मेटिंग करें पहले जर्नल एंट्री। एकदम ईमानदारी से हम लोग एंट्री करेंगे। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करता है। हम बोले बिल्कुल। पहला वर्कमैन कंपनसेशन कितना हो जाएगा? 25। हम बोल रहे हैं सर आपका लाइबिलिटी बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो आपका लाइबिलिटी कितना का बनेगा? हम बोले बाबू 25। तो सर लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ, बढ़ गया लाइबिलिटी। हम बोले सर इससे बचने के लिए आपके पास पहले से क्या है? हम बोले एक रिजर्व है, पूरा लॉस थोड़ी हो जाएगा। कितने का रिजर्व है? 20। तो बाबू जो एडिशनल लॉस है वही तो रिवैल्यूएशन है। कितने रुपए का एडिशनल लॉस है? 5000। बीइंग क्लेम एडमिटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहला का हो गया। दूसरा का बात करते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। बोल रहा है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 60 हो जाएगा, बैलेंस शीट में कितना है? 1,00,000। बोल रहा है 60 हो जाएगा, तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट घट रहा है? हाँ। तो एसेट्स घटेगा तो डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट। एसेट्स घट रहा है, जितना रुपया से घटेगा उतना रुपया से बनाइए। हम बोले 40000। हम बोले हाँ सर, पिछले बार जो क्वेश्चन था उसमें भी तो
रिजर्व था 20 का तो और बन गया 25, तो पांच ही बनाते हैं आप, 25 का ही लिखे हैं। बोले नहीं समझे नहीं, रिजर्व जो है वो प्रॉफिट है, क्लेम लायबिलिटी है, तो क्लेम तो नया लायबिलिटी है। नाम भी देखिए वो रिजर्व ये क्लेम दोनों अलग अलग चीज है। तो हम बोले सर लायबिलिटी कितने का बनेगा, हम बोले 25। तो इस 25 से बचने के लिए मेरे पास एक फायदा है, उसको यूज कर लिए। तो सर फायदा को यूज किए तो फायदा डेबिट हो गया 20। हम बोले सर यूज करने के बाद भी आपके पास 5000 कम पड़ रहा है। हम बोले हाँ बाबू वो एडिशनल लॉस हो गया है, उसका नाम क्या, रिवैल्यूएशन। लेकिन इसमें तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है जो 1,00,000 का बैलेंस शीट में है, बोल रहा है 60,000 कीमत हो गया। तो हमने सर 40,000 से एसेट्स घट जाएगा, तो आपका एसेट्स घटा है 40,000, तो आपको लॉस है 40,000। हम बोले हाँ, क्या इस लॉस से बचने के लिए कोई फायदा है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बोले एकदम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फायदा क्रेडिट होता है, इस्तेमाल कर लिए इसको तो सर आपको लॉस हो गया। कितना का एडिशनल लॉस चल रहा है, 10,000। क्या इसका नाम भी रिवैल्यूएशन। हम बोले हाँ सर, इस पूरे चैप्टर में लॉस और प्रॉफिट का एक ही नाम है, वो क्या, रिवैल्यूएशन, बीइंग इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट घट गया बाबू, है ना। तीसरा पॉइंट आओ पढ़े, बोल रहा है बिल्डिंग बढ़ जाएगा 10%। तो सर बिल्डिंग एसेट्स है, अगर बिल्डिंग घटे बढ़ जाएगा तो एसेट्स बढ़ेगा, और एसेट्स बढ़ता है तो कहां जाता है सर, डेबिट साइड में, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर एसेट्स बढ़ गया 10% निकालिए तो 8,000। एसेट्स के बढ़ने से फायदा, फायदा होता है क्रेडिट, और फायदा का नाम क्या, रिवैल्यूएशन, बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड। चौथा पॉइंट पढ़िए, लिखा है मशीन डेप्रिशिएट कर जाएगा 5%। तो सर मशीन एक एसेट है, डेप्रिशिएट कर जाएगा मतलब घट जाएगा, तो सर एसेट्स घट रहा है, डेबिट या क्रेडिट। हम बोले क्रेडिट, तो सर मशीन को क्रेडिट कर देंगे। हम बोले हाँ बाबू मशीन को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री होगा, सर मशीन को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि सर मशीन घट रहा है तो आपको लॉस है, आपका एसेट्स घट गया। हम बोले हाँ, कितने रुपए से। हम बोले सर एसेट्स घटा 5%, 3,500, बीइंग मशीन रिड्यूस्ड, बात समझ रहे हैं सर। आगे बढ़िए, पांचवा नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 क्या था आओ पढ़े। बोल रहा है प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर पे, तो डेटर पे जब हम 5% बनाएंगे तो डेटर घट जाएगा, तो सर आपको तो लॉस होगा, लॉस एसेट्स घट रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे। हम बोले हाँ घट रहा है एसेट्स तो क्रेडिट करती हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, और लॉस का नाम क्या सर, रिवैल्यूएशन। पांच परसेंट निकाले कितना निकला बाबू, 3,500। हम बोले सर 3,500 बनाना है, 2 तो पहले से बना हुआ है। हम बोले हाँ, तो सर 1,500 का ही लॉस है। हम बोले हाँ 1,500 लिख दीजिए। इसमें याद करने लायक बात क्या था कि सर प्रोविजन का जो परसेंटेज हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वो हमेशा डेटर के ओरिजिनल वैल्यू पे, जो कितना है 70,000। हम बोले हाँ, बीन डेटर डिक्रीज, आपका डेटर डिक्रीज कर गया। पॉइंट नंबर 6 आइए पढ़े, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज करके बन जाएगा 35, पहले कितना था बैलेंस शीट में 32, बोल रहा बन जाएगा 35, तो सर स्टॉक बढ़ गया कितना रुपया से, 3,000 से, तो सर बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स बढ़ रहा है। हम बोले हाँ सर ये तो काफी सिंपल है। बोले बिल्कुल बाबू, अकाउंट हमेशा ही सिंपल होते हैं। 2 एसेट्स बढ़ा, फायदा कि नुकसान, सर फायदा, रिवैल्यूएशन, बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड। 7 नंबर आओ पढ़े, पॉइंट नंबर 7 लिखा है
क्रेडिटर बढ़ जाएगा 5,000 से, लायबिलिटी बढ़ रहा है बाबू कितने रुपए से, 5, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट, तो सर क्रेडिटर को क्रेडिट कर दीजिए 5,000 से। लायबिलिटी बढ़ा तो फायदा के नुकसान, सर नुकसान, नुकसान किस साइड? डेबिट साइड। किस नाम से? सर एक वो तो नाम है रिवैल्यूएशन। हम बोले हाँ, कितने रुपए का? 5,000 का। बींग क्रेडिटर इंक्रीज आओ अगला पॉइंट पढ़े, पॉइंट नंबर 8, फिर उसका एंट्री करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 8 लिखा है बिल पेबल इज वैल्यूड एट 18,000। बोल रहा है बिल पेबल का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 18,000। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि बिल पेबल एसेट्स है कि लायबिलिटी? सर लायबिलिटी, सब जानता है। बोले अच्छा, पहले बैलेंस शीट में बिल पेबल कितने का था? 20। फिर इंफॉर्मेशन बोल रहा है वो कितने का बन गया? 18। तो क्या लायबिलिटी 2,000 रुपया से घट गया? हम बोले हाँ। तो लायबिलिटी घटता है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कितने रुपए से घटा? 2,000। तो लायबिलिटी के घटने से फायदा के नुकसान? सर फायदा, फायदा क्रेडिट होता है और फायदे का नाम रिवैल्यूएशन। बी बीपी रिड्यूस्ड। बात समझ आती है? नौवां पॉइंट आओ पढ़ें क्या है। 9th पॉइंट लिखा है एक लैंड है 50,000 का जो रिकॉर्डेड नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बोलो बाबू एसेट्स को रिकॉर्ड करना है डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट, एसेट्स बढ़ जाएगा रिकॉर्ड करना है तो एंट्री क्या बनेगा? लैंड अकाउंट डेबिट 50,000। एसेट्स बढ़ा, फायदा के नुकसान? फायदा। क्रेडिट में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। बीइंग लैंड रिकॉर्डेड। इन द बुक्स। ये था नौवां। जानते ये सारा एंट्री हम लोग बहुत आराम से कर लेते हैं क्योंकि ये एंट्री क्वेश्चन में मेंशन है, पॉइंट पढ़े एंट्री कर दी। लेकिन एक एंट्री है जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, वो हम लोग को याद रखना होता है कि सर जब सारा रिवैल्यूएशन कर लीजिएगा तो रिवैल्यूएशन करने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उस प्रॉफिट लॉस को कैसे निकालेंगे? क्योंकि अकाउंट तो हम बना ही नहीं है, क्वेश्चन को बोला ही नहीं बनाने, तो बिना अकाउंट बनाए कैसे निकालेंगे? और अगर मान लीजिए हम एंट्री करके वो एंट्री छोड़ दे तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स गया, और अगर उस एंट्री को करने के लिए लेजर बनाएंगे तो 3-4 मिनट उसमें लगेगा, तो फिर भी कोई ना कोई छूट जाए एग्जाम में। हम बोले बेटे का तरीका सुनिए कैसे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। हम लोग को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना कैसे निकालेंगे हम बस वही सिखा रहे हैं, 10वां एंट्री वही करना है हम लोग को। कैसे करते हैं? जहां जहां जो जो एंट्री किए हैं उसमें जहां जहां रिवैल्यूएशन का नाम आया है उसको देखिएगा। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो पैसा डेबिट में लिखेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो पैसा क्रेडिट में लिखेंगे। पहला काम तो ये करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? जितना एंट्री किए उसमें क्या खोजना है? रिवैल्यूएशन का नाम। अगर डेबिट साइड में मिला तो सर डेबिट साइड में पैसा लिख लीजिए, क्रेडिट साइड मिला तो क्रेडिट साइड में पैसा लिख लीजिए। हम बोले ठीक, आओ पढ़े एंट्री। रिवैल्यूएशन डेबिट में मिला कितना? 5,000, तो डेबिट में कितना लिख लिया हम? 5,000। रिवैल्यूएशन डेबिट में मिला 10,000, तो सर 10,000 डेबिट में लिख लिए। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में मिला 8,000, तो सर क्रेडिट में लिख लिए 8,000। रिवैल्यूएशन डेबिट में मिला 3,500, तो सर डेबिट में लिख लिए 3,500। रिवैल्यूएशन डेबिट में मिला 1,500, डेबिट में मिला 1,500। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में मिला 3,000। रिवैल्यूएशन डेबिट में मिला 5,000। फिर क्रेडिट मिला 2,000। देखिए क्रेडिट मिला 2,000, तो सर क्रेडिट में लिखिएगा आप। हम बोले हाँ। और उसके बाद फिर यहां क्रेडिट मिला 50,000, तो क्रेडिट में 50,000। जब सारा आप रिवैल्यूएशन खोज लिए तो फिर जोड़ लीजिए डेबिट और क्रेडिट। सर ये जोड़िएगा तो आएगा 63,000। हम बोले हाँ। और ये जोड़ेंगे तो आएगा 25,000। कौन साइड बड़ा दिख रहा है? सर क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट का साइड बड़ा है और लॉस का साइड छोटा है। तो हम बोले सर इन दोनों का डिफरेंस, हम बोले 38,000, ये डिफरेंस है।
ये जो 38,000 का आपको डिफरेंस दिख रहा है बाबू, ये क्या है? प्रॉफिट या लॉस? कैसे मालूम चलेगा? हम बोले सर क्रेडिट साइड का पैसा अगर बड़ा हुआ तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड का पैसा बड़ा हुआ तो लॉस है। इस क्वेश्चन में जो साइड है क्रेडिट वहां है 63, डेबिट है 25, तो कौन सा साइड बड़ा है बाबू? सर क्रेडिट साइड बड़ा है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 38। तो ये जो प्रॉफिट है उसको ओल्ड रेशियो में देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को, तो प्रॉफिट दीजिए। तो ये तो प्रॉफिट है बाबू जो 38,000 है, ये क्या निकला है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। दे देंगे तो कहां चला जाएगा? डेबिट। तो सर हम बोले रिवैल्यूएशन डेबिट, एंट्री कर रहे हैं अब हम। कितने का प्रॉफिट? सर 38 का। आप बात समझ रहे हैं? बिना अकाउंट बनाए हम बोले हाँ। तो रिवैल्यूएशन को बाबू डेबिट कर दिए 38,000 से। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सर वो डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण क्रेडिट से कहां आ जाएगा? डेबिट में, और प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और किसको मिलेगा? जो ओल्ड पार्टनर है। कौन है ओल्ड? सर ए बी और सी, ओल्ड रेशियो में। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटिए सर 17,200 7,600 बात आती है। किस में बटा है सर? ओल्ड रेशियो में 2:2:1। और एक बात याद दिला दे फिर से, बैलेंस शीट का चीज हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। क्या ये एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट से ही होता है? हम बोले हाँ, बैलेंस शीट को देख के तो रिवैल्यू कर रहे हैं आप, तो ये बैलेंस शीट का ही तो प्रॉफिट है। तो बोल रहे सर बैलेंस शीट का कोई भी आइटम अगर बांटना पड़ जाए तो वो हमेशा किसमें बटेगा? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को। बात समझ में आती है मेरी? तो ये था बेटे आज का हम लोग का रिवैल्यूएशन का डिस्कशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग रिवैल्यूएशन का एक क्लास और लगेगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। उसमें क्या कर रहे होंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं रिवैल्यूएशन के जिसमें आके स्टूडेंट फंस जाता है, उसको बड़ा कंफ्यूजन है, खास करके डेटर वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कि सर वो कब इन रिवैल्यूएशन में आता है और कब वो रिवैल्यूएशन में नहीं आता है और किस तरह से आता है, इस बात को लेके स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन है। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास कर रहे होंगे रिवैल्यूएशन का, वो भी क्या होगा? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ही होगा। चलिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।